नमस्कार दर्शकों हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में ये योजना क्या है इस योजना से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक श्री तपन कुमार बिस्वास जी तपन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार जी जैसा कि आज हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रही हैं तो मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि ये, ये योजना क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 2020 में इम्प्लीमेंट हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा और बेसिकली जो कोविड के बाद इमीडिएट सेक्टर फिशरीज को बूस्ट करना था और हमारे आपको जैसे पता ही हो फिशरी uh, सेक्टर जिसमें काफ़ी डाउन एक कम्युनिटी से बिल्कुल ऊपर लेवल तक ट्रेडर्स जुड़ा हुआ रहता है तो एज ए होल कोविड की सिचुएशन ऐसी थी बिजनेस खराब हो गया था सबकी तो एक इमीडिएट बूस्ट के देने के खातिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑल ओवर इंडिया में इंक्लूडिंग यूटी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लॉन्च किया था जी जी, जी। तो ये योजना कब इसकी शुरुआत हुई इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या है हाँ देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि uh, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दो से स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया राइट फ्रॉम नॉर्थन मिल अंडामान साउथ अंडामान प्लस आ, आपकी निकोबर डिस्ट्रिक्ट में और इसकी मेन उद्देश्य ये था कि जो फ़िशरमैन उनको हम तुरंत उनको ऐसे सपोर्ट करें जहाँ पर उनकी मैरीन कैप्चर फिशरीज़ को इम्प्रूव हो साथ साथ फिशरी सेक्टर में हमारे फिश फार्मर है जिनके पास यहाँ पर जैसे होते छोटे तालाब होता है अब तो बहुत सारे बड़े बड़े तालाब भी आ गए जिसमें मछली पालन होता है उनको भी एक तरह से फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली बूस्ट दे आ, साथ साथ आपके जो ट्रेडर होता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करते हैं फ़िश ट्रेड होता है उनको भी एक तरह से बूस्ट करें साथ साथ जो वैल्यू एडिशन होता है जो आपकी वैल्यू एडिशन होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी उसको भी एक तरह से बूस्ट हो तो ओवरऑल एक कंप्लीट जो सेक्टर फिशरीज के लिए जो एक इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल पैकेज और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था वो हमने स्टार्ट किया जी जी इस योजना को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट इसका करते हैं और इसके जो लाभार्थी हैं वे कौन है जी देखिए इस प्रोग्राम की अब लाभार्थी पूरे दर्शकों को मैं ए, बता देती तो जो, जो भी यहाँ सुन रहा है कि लाभार्थी कोई भी हो सकता है बस वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए इस प्रोग्राम में सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी लाभार्थी ज़रूरी नहीं कि आप एक फ़िशरमैन हो ज़रूरी नहीं कि आपके पास तालाब हो इस मोस्टली जितने कंपोनेंट हैं इतने इतने वेल well डिज़ाइन किया गया है कि मत्स्य संपदा योजना के जितने कंपोनेंट हैं वो अनएम्प्लॉयड यूथ ले सकते हैं फ़िशरमैन ले सकते हैं फिशरमैन के फैमिली मेंबर ले सकते हैं वुमेन ले सकते हैं बड़े बिजनेसमैन भी इसकी लाभ ले सकते हैं अब इसकी इम्प्लीमेंट जैसे आपने बोला इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम हम क्या करते हैं कि एक प्रेस रिलीज निकालते हैं डिफरेंट uh, 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 गांव में जाके हम अवेयरनेस करते हैं uh, हमारी आउटरीच प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलते रहता है राइट फ्रॉम डिगलीपुर से लेके पूरे आपके कैम्बल में तक हमारे आउटरीच प्रोग्राम चलता है उस आउटरीच प्रोग्राम में हम मत्स्य संपदा योजना के बारे में डिटेल हम बताते हैं कि इसमें क्या लाभ हो सकते हैं जब उनको फिर हम कन्विंस करते हैं कि आप मत्स्य संपदा योजना में पूरे लाभ लो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि ये हमारे मत्स्य संपदा योजना में कम्प्लीट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हैंड होल्ड करें उनकी क्योंकि मोस्टली देखा जाए कि एक सेक्शन ऐसे होते हैं कि इस तरह के जो फिशरी सेक्टर में जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनके जो भी प्रोजेक्ट डीपीआर बनाना होता है सेल्फ कंटेंट प्रपोजल होते हैं वो हम खुद बना के उनके हिसाब से उनके विजन के हिसाब से उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनके लिए सेल्फ कंटेंट प्रपोजल बनाते हैं डी बनाने में हेल्प करते हैं और बहुत कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है मान लीजिए एक यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ है जो मैं ज़्यादा मैं एम्पसाइज़ करूँगा उनको एक अपनी फोटोग्राफ चाहिए एक आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है और आपकी बैंक अकाउंट क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जब वो प्रोजेक्ट बनाएंगे कंप्लीट होगा उसकी जो अमाउंट है वो कंप्लीट उसके अमाउंट हम क्या करेंगे डायरेक्ट उनके बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता है तो डॉक्यूमेंट बस बहुत ही सिंपल है तीन चार डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है जी जी इस योजना से जुड़े कौन कौन से स्कीम्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं इसके बारे में हम आपसे जा। जानना चाहेंगे देखिए ऐसा आ, सेक्टर फिशरीज जो है आ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेक्टर फिशरीज डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जुड़ा हुआ है तो मोस्टली मैं दर्शकों लिए बताऊँगा एक तो होता है मेरीन फिशरीज होता है जिसमें आप जो है कैप्चर उसको बोलते हैं हम लोग कैप्चर फिशरीज़ जो आपको समुंदर में जाना है डीप सी और आपके जो हमारे टेरिटोरियल वाटर में जाके मछली पकड़ना होता है ठीक है तो उनके लिए भी कंप्लीट स्कीम है उनके लिए स्कीम यह हो गया कि वो वैल्यू एडिशन पे जा सकते हैं कि आपको फिश ला के उसके फिश के डिफरेंट आपकी कैनिंग में जा सकते हैं ठीक है एक कैंड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं सेकेंड ये हो गया कि आपकी आ, आ, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्योंकि यहाँ अंडमान में एक बहुत बड़ी समस्या था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च होने से पहले आइस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था कोल्ड स्टोरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम था तो ये जो वैल्यू एडिशन और पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी होता है उसको आप एक कोल्ड स्टोरेज बना सकते हो आप आइस प्लांट बना सकते हो साथ साथ वैल्यू एडिशन पे ला सकते हो ये हो गया है मोटा मोटी आप ट्रीमेरिन फिशरी सेक्टर में क्या लाभ ले सकते हो अगर आप उसमें फ्रेश वाटर फिशरी सेक्टर पर जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ग्रो आउट पॉन्ट जैसा आप एक तालाब बना लो तालाब बनाने के बाद उसमें सारे टेक्नोलॉजी का इनपुट जो भी गाइडेंस होता है हम देते हैं तालाब वो बना सकते हैं ये हो गया फ्रेश वाटर फिशरीज सेक्टर के और साथ साथ आपके जो आ, ये दोनों सेक्टर पे देखिए क्या होता है कि कोई भी आ सकता है ऐसी जरूरत नहीं है कि हमारे स्कीम जो बंधा हुआ है सिर्फ फिशरमैन के लिए नहीं अगर आपको एक कोल्ड स्टोरेज बनाना है आइस प्लांट की बनाना है नहीं तो आपको एक अगर वैल्यू एडिशन पर लाना है आपके पास कुछ नहीं सिर्फ एक ज़मीन की जरूरत होता है अगर आपका खुद का ज़मीन नहीं है कोई बात नहीं मत्स्य संपदा योजना डायरेक्ट ये बोलता है कि आप लीज़ करवा लीजिए पहले तो क्या होता है जब स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी तो लीज़ एग्रीमेंट सात साल का था उसके बाद देखा गया कि अंडमान में सात साल की लीज एग्रीमेंट में भी दिक्कत होता नाउ इट इज़ अ फाइव ईयर्स लीज एग्रीमेंट okay. आप लीज एग्रीमेंट करवाइए तो कर सकते हैं साथ साथ क्या है महिलाओं के लिए मत्स्य संपदा योजना जो है महिला के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट है इसकी जो सब्सिडी कंपोनेंट है फोर्टी सिक्सटी अगर जनरल कैंडिडेट हो गया यानी कि जो पुरुष है मेल के लिए फोर्टी परसेंट है महिलाओं के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा महिलाओं को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया गया है इस सेक्टर में सिक्सटी परसेंट सब्सिडी यहाँ पर मिल सकती है जी, जी वैसे तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है बहुत अच्छा योजना है जिसे हम आगे बढ़ सकती हैं तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे द्वीप समूह में कितने लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है कौन कौन लाभार्थी इसमें शामिल हैं देखिए इस पूरे दीप समूह में आ, कुल मिला के एक सौ के करीब एक बेनिफिशरी होगा आ, जिसमें जो लाभार्थी है इस मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने एसेट बनाए हैं एसेट की इंस्पेक्शन के बाद उनके अकाउंट पे डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं और वो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं और जिसमें लाभार्थी उसमें हम लोगों ने ये दिया है मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स की एक देखा गया है यहाँ पर कि एक वेंडर हो गया जिससे मोस्टली आपके आ, कंधे पे लेके सर पे लेके टोकरी लेके जाते हैं पर जिनको अगर मान लीजिए बाइक चलाना आता है स्कूटी चलाना आता है मोपेड चलाना आता है उनको कुछ नहीं करना है अगर वो फिशरी सेक्टर में आने की इस तरह के लाभ लेना चाहता है तो हमारे डिपार्टमेंट में आ सकते हैं आ, ताकि जो पहले की लाभार्थी है उनको देख के मोटिवेट होकर ले सकते हैं एक तो मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स हो गया सेकेंड okay. हमने एक और एक स्कीम है सेम जैसा आपने बोला है कि कौन कौन लाभार्थी है थ्री व्हीलर विथ आइस बॉक्स यानी कि एक ऑटो okay. ठीक है एक ऑटो ले लीजिए ये सारे लाभार्थी आपको पूरे स्टेट यानी कि ऊ में मिल जाएंगे आपको उसमें एक ऑटो लेना है और आइस बॉक्स रखना है ताकि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन आपकी लैंडिंग सेंटर से लेके पूरे मार्केट तक आप कर सकते हो इवन सेम डोर टू डोर भी आप फ्रेश फिश कंज्यूमर को दे सकते हो साथ साथ इसकी लाभार्थी जो है आपकी आप फ़िश क्योस्क आप अगर पोर्टब्लर पे देखेंगे कि फ़िश क्योस्क जो है पोर्टब्लर पे बेटर हुआ है पर हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरे जैसे पूरे डिगलीपुर से लेके बाकी बे तक आए एक आपने देखा होगा कि बस्ती में फ़िश जोन और उसके बाद आपके आप बम्बू फ्लैट में और एक फ़िश जोन है और आपके थोड़ा सा बम्बू फ्लैट से आगे चले जाएंगे पानी घाट में एक फ़िश जोन है तो ये जितने हैं और सबसे मज़ेदार बात है कि भातु बस्ती और आपके बम्बू फ्लैट के जो फिश जोन हैं वो लाभार्थी हैं फीमेल है और उनके बिज़नेस इतने अच्छे इसको बोलते हैं फिश कियोस्क okay. फिश कियोस्क में उनको सिक्सटी परसेंट की सब्सिडी मिलती है नियर अबाउट उनको सात साढ़े सात लाख की कंप्लीट अमाउंट जो है सब्सिडी अमाउंट वो उनके अकाउंट में मिले हैं और hmm. बिज़नेस बहुत अच्छे हैं कि फ़ीमेल सबसे खुशी की बात इसमें हम लोग डिपार्टमेंट की ओर से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मोस्टली लाभार्थी जो हैं फीमेल है जो बड़े बड़े लाभार्थी है और आज जी, है। जी, जी 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 और फीमेल जो है एज ए मत्स्य संपदा योजना के थ्रू उसमें उसकी सहायता की वजह से फीमेल यहाँ पर अंडमान में एक ऑन्ट्रप्रोनर जैसे डेवलप हुए हैं मैं आपको बताऊँ एक एक तो दो की ओर की हो गए आप जाके पर्सनली उनसे संपर्क कर सकते हैं और मैं जितने दर्शकों को बोलता हूँ जो फीमेल है यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो यूथ है जिसमें फीमेल है चाहे वो आ, अगर फिशरमैन कम्युनिटी से है फ़िशरमैन कम्युनिटी से ना भी हो तो हमसे के संपर्क कर सकते हैं और मैंने दो तीन लोगों का नाम लिया है उनसे संपर्क करके मोटिवेट होकर बना सकते हैं सेकेंड आ गया आपकी कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज अभी इतनी बड़ी कोल्ड स्टोरेज बनी है जो एक फीमेल है साइमा शाह उनको हमने 72 लाख की जो है सब्सिडी दी है हुँ। 150 फिफ्टी मेट्रिक टन की कोल्ड स्टोरेज है नमूना घर पे है काफ़ी अच्छा है स्टेट ऑफ आर्ट है और उसकी कैपेसिटी 150 है बहुत ही मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज है क्या होता है कि देखिए फिशरी सेक्टर में कि आपके पास पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके वजह से कि फ़िश की स्पॉयलेज होता था आपको क्वालिटी नहीं मिलती थी एंड एज ए रिज़ल्ट टाइमली ना आप लोकल कंज्यूमर को दे पाते थे फ्रेश और क्वालिटी फ़िश ना ही आप एक्सपोर्ट कर पाते थे पर ऐसी जो एग्ज़ाम्पल है जैसे साइमा शाह हो गया उनके वजह से एक तो उन्होंने एक आज Uh, मतलब क्या है ना जो मेल डोमिनेटेड बिजनेस में अंडमान में वैसे एक महिला आए हैं जो एक ऑन्तरप्रनर के हिसाब से आए साथ साथ आप राजेश्वरी बोल के हैं कि ये सबसे मजेदार बात है मत्स्य संपदा योजना जो है एकदम यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है ये कोई पोबुलर टाउन और बाकी जगह सीमित नहीं है पूरे रूरल एरिया प्लस सबर्ब और अर्बन एरिया में सीमित है आप जाएंगे अगर राजेश्वरी राजेश्वरी की एक आइस प्लांट है टेन मेट्रिक टन की ट्रिलबाद में है न वो भी अपने अच्छा बिजनेस कर रहा है और अपनी अच्छा खासा उनको भी हमने ट्वेंटी लैख की जो है आ, हमने सब्सिडी दिया है कुछ बेनिफिशरी क्योंकि आपकी जो सवाल था कि लाभ किसको इसको मिला है।, है।, है कुछ बेनिफिशरी ऐसे हैं जो वेल well एजुकेटेड है जैसा जिन्होंने बीटेक करके मेलैंड पे आईटी सेक्टर में थे उन्होंने फिर अपने नेटिव प्लेस अंडामान में वापस आए जिसको वो एक दो स्कीम ऐसे हैं जैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड इन ब्रैकिश वाटर जो खारे पानी में मछली पालन का देखिए क्या ना सुनामी के बाद हम लोग काफ़ी सुनते थे खारे पानी के मछली पालन करना पर क्या है कि इतने साल लग गए पर ये सारा हम लोग विजन जो अंडमान हम हमेशा बोलते थे कि खारे पानी में झिंगा पालन करना ये ड्रीम थी मतलब आपके मत्स्य संपदा योजना आने से पहले ये ड्रीम थी पर कहना ये ड्रीम कंप्लीट फुलफिल हो पाया मत्स्य सम्पदा आयोजना आने के बाद इसमें है अकील अनस बोल के एक लड़का है तो शैतान खड़ी आपके फरारगंज के तरफ आपके मथुरा चौक से आपको आगे जाना होगा मैं पूरे डिटेल बता रहा हूँ ताकि जो भी दर्शक अनएम्प्लॉयड यूथ जैसे अगर वेल एजुकेटेड है वो अपने फार्म को सेटअप कर सकते हैं अकील अनस जो है पहला बार उसकी जो है पिछले महीना ही जो लास्ट वीक जो है उसने एक सात सौ से हज़ार के के जो खारे पानी के जो झिंगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेनामी उसकी जो है उसने पहला क्रॉप दिया है तो आप जो भी दर्शक देखते हैं वो अखिल अनाज से कांटेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथ साथ और भी एक आपके फीमेल बेनिफिशियरी है चपला सरकार जो आपके तिरूर किस्से हैं तिरूर हरपट्टाबाद से हैं उन्होंने भी अपनी बिंदास आपके खारा पानी के जो पौंड है वो बना दिए हैं और उनकी जो एक्टिविटी जो है बिकॉज रेन के वजह से वो नहीं कर पाया बट बहुत जल्दी वो अपने सारे एक्टिविटी स्टार्ट करने वाला है और ये तो आपके हो गया है कि एक तो मैंने बता दिया मीठा पानी में भी स्टार्ट हुआ पोस्ट हारवेस्ट में भी हमारे बेनिफिशियरी प्लस आपकी वैल्यू एडिशन में जो कोल्ड चेन स्टोरेज है उसमें भी आ गए टू व्हीलर थ्री व्हीलर प्लस एक बेनिफिशियरी और भी बेनिफिशियरी हम लोग बेनिफिट दिए हैं आपके रेफ्रिजरेटेड वहीकल धातु बस्ती के एक बेनिफिशियरी लिए हैं तो ये सारे जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है मेन कंसेप्ट ये है कि जो इस व्यवसाय में जुड़ा हुआ है चाहे फ़िशरमैन ले लीजिए फिश का जो कंजम्पशन होगा अल्टीमेटली कंज्यूमर uh, के पास आएगा वो सबसे मेन टारगेट रखा जाता है कि क्वालिटी बिल्कुल हर एक स्टेज पे हम पर ना हो ताकि हम आगे नहीं मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब उनकी ये कंटिन्यूसली उनकी यही uh, हमें डायरेक्शन दे रहा है कि हमारा जो सेक्टर फिशरी जो है वो इंटरनेशनली और ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो तो ये मत्स्य संपदा योजना में जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की जो डायरेक्शन के एक पहला कदम है कि वैल्यू एडिशन और कोल्ड चेंज जो है हम सक्सेसफुली कर पाएँ ताकि फिश जो है वो प्रॉपर एंड फ्रेश जो है कंज्यूमर को मिले जी वैसे तो आपने काफ़ी विस्तार से बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको जो भी लोग इसका लाभ जो ले रहे हैं उसका नाम भी आपको याद है जगह कहाँ रहते हैं वो भी आप याद रखा आपने ये बहुत बड़ी बात है तो आपने बताया कि जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं क्या वो इसका लाभ उठा सकते हैं और अगर उठा सकते हैं तो कैसे जी देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हमारे पास आ सकते हैं और इस पूरे मत्स्य संपदा योजना का लाभ ले सकते हैं और हमारे ऑफिस हमेशा ओपन रहता है और हम देखिए सबके लिए जिनको मान लीजिए कम पढ़े लिखे होता है जिनको मान लो आइडिया नहीं है कि मत्स्य संपदा योजना में क्या नहीं है देखिए वाइड रेंज ऑफ हमारे मत्स्य संपदा योजना जो है आप एक ऐसा रखिए एक शॉप है जिसमें हर तरह के हमारे पास कमोडिटी है और सामान रखा हुआ है कि सबके लिए होता है मत्स्य संपदा योजना में मोस्टली इसमें थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत होता है वो पैसे क्या है ना हमने बैंक के साथ भी बहुत अच्छा टाई अप किया है अगर मत्स्य संपदा योजना में ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है प्लस उनके पास फाइनेंस की कमी है पर वो कुछ करना चाहते हैं प्लस उनके पास आपकी डिटर्मिनेशन है कि मुझे इस व्यवसाय में आके पैसा कमाना है तो हमारे पास आ सकते हैं हम बैंक के साथ टाई अप करते हैं okay. एक तो उनको सब्सिडी भी मिलेगी प्लस बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड करेगी तो वो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं और इसका बिल्कुल लाभ ले सकते हैं। ले सकते हैं जी, जी।, जी। वैसे तो बहुत ही अच्छा योजना है ये जो आगे बढ़ सकते हैं लोग तो क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या कोई आयु सीमा निर्धारित की गई है और इस योजना से जुड़ने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है दस्तावेज आयु सीमा ऐसा कोई निर्धारित नहीं है आयु सीमा ऐसे कोई निर्धारित नहीं है बट क्योंकि देखिए कि Uh, कोई भी बिज़नेस होता है और फिशरीज़ जो एक ऐसे इंटरप्राइज होता है कि वो थोड़ा सा आपके पास चैलेंजिंग होता है एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है तो वैसे कोई आयु सीमा तो है नहीं बट जनरली हम लोग प्रिफर करेंगे कि थोड़ा सा मतलब ऐसे आप बिल्कुल हेल्दी होना क्योंकि एक बिज़नेस के लिए आपकी हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई ऐसे व्यक्ति भी होगा जो उम्र हो गए पर उनको ये बिज़नेस में आना है मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेना है तो वो निराश ना हो वो अपने घर के जो भी उनके फैमिली मेबर है उनके वाइफ के नाम से ले सकते हैं उनके बच्चों के नाम से ले सकते हैं और मत्स्य सम्पद योजना की लाभ ले सकते हैं दस्तावेज जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दस्तावेज ऐसा होता है कि बहुत दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होता है अगर आप फ़िशरमैन हैं तो आपकी फ़िशिंग जो आइडेंटिटी कार्ड है और वो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि वही डॉक्यूमेंट बेसिकली ये डिक्लेयर करता है कि आप आपका पूरे एक कम्प्लीट एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि आप फिशरमैन कम्युनिटी से हो अगर वो जो फिशरमैन नहीं है उनके लिए एक आधार कार्ड की ज़रूरत होता है बैंक अकाउंट जो है एक कॉपी ही बैंक अकाउंट की कोई भी बैंक जिस बैंक से आप डील करते हो आ, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो आधार कार्ड एक फोटोग्राफ बैंक अकाउंट दैट्स ऑल और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है और दो इम्पॉर्टेंट जो आपने बोला दस्तावेज होता है जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है वो होता है हर एक प्रोजेक्ट में डीपीआर होता है या नहीं तो सेल्फ कंटेंट प्रपोजल होता है तो मोस्टली हम लोगों ने जब भी हमारा आउटरीच प्रोग्राम होता है हम लोग देखते हैं कि सेल्फ कंटेंट प्रपोजल जो उनको समझ में आता नहीं पर क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है एक प्रोसीजर होता है और एक चेकलिस्ट होता है जो हमें कंप्लीट करना है तो सेल्फ़ कंटेंट प्रपोजल हम उनसे बात करते हैं जैसा हम लोग बात कर रहे हैं वैसे उनके साथ बात करते हैं उनको गाइड करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं उनको क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि मत्स्य संपदा योजना की बैग में बहुत सारे चीज़ रहते हैं हमारे जो आ, एक्सटेंशन जो वर्कर uh, है हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम के जो स्टाफ है सागर मित्रास है वो जैसे कि मैं खुद चला जाता हूँ हम उस uh, जो बेनिफिशरी है जो बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट हम उनको बेटर बता पाए उसके बाद जब वो कन्विंस होते हैं तो हम खुद ही सेल्फ कंटेंट प्रपोजल बना देते हैं यू नो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते हैं और उनको हम लोग हेल्प करते हैं ये तो हो गया सेकेंड उसके बाद एक बार जब कलेक्शन कर लिए एप्लीकेशन कलेक्शन कर लिए उनके पूरे डॉक्यूमेंट ले लिए अब जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस मत्स्य संपदा योजना सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा गया है और बिल्कुल अनबायस्ड रखा गया है इसकी सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है ऑल ओवर नेशन वाइड होता है और जिसको सेम हम लोग अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पर फॉलो करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में चेयरमैन होता है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर मेंबर कन्वेनर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज और जो है तीन जो है एक्सपर्ट लेते हैं उसमें एक जन रहते हैं लीड बैंक मैनेजर तो ये थरो प्रोसेस हम एप्लीकेशन ले आए और हम किसी को दे देते हैं ऐसा नहीं इसकी बिल्कुल थरो इंस्पेक्शन होता है वो जो प्रपोजल uh, और जो एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिप्टी कमिश्नर प्लस बाकी कमेटी देखते हैं ताकि हमारे तरफ से कोई बायस ना हो और जेन्य हम सारे बेनिफिशियरी को सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बाद जाके हम लोग देते हैं। मैंने अब जो जितने बताया है दर्शकों को आ, ये बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम रहा यानी कि ये जितने हैं बेनिफिशरी के लाभ के लिए होता है डायरेक्टली सागर मित्रा एक स्कीम है ये नॉन बेनिफिशरी ओरिएंटेड होता है और ये एक स्टाफ यानी कि एक एम्प्लॉयमेंट हम लोग देते हैं एक एक्सटेंशन सपोर्ट है हमारे लिए सागर मित्रा और इनकी आ, जो है जैसा हमारे साउथ अंडामान में ट्वेंटी सिक्स आई थिंक थोड़ा सा एक आध का कम कमी ज़्यादा हो सकता है ट्वेंटी नाइन सागर मित्रा है और नॉर्थ अंडामान में ट्वेंटी सिक्स सागर मित्रा है उसी तरह मे बी बीस इक्कीस सागर मित्रा जो नॉर्थ निकोबर डिस्ट्रिक्ट में होगा इनकी क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम ट्वेल्व साइंस और प्रिफ्रेंस हम लोग जो है बी एस जूलॉजी और फिशरीज़ को भी देते हैं इनका काम क्या होता है बहुत ही बैकबोन होता है सागर मित्रा जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इम्प्लीमेंट में काफ़ी बैकबोन होता है वो एक क्या करते हैं कि एक सपोर्ट होता है फ़िशरमैन फिश फिशरमैन कम्युनिटी फ़िश फार्मर और विलेज में जो जो फ़िशिंग एक्टिविटी होता है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आ, माध्यम होता है फ़िशरमैन प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फ़िशरीज़ के बीच में एक इंटरफेस जैसा काम करता है इस योजना से जुड़े लोग सब मतलब कैसे लाभ लेना है वो जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप और आपका विभाग क्या कर रहा जी। है देखिए क्या ना हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम है मैं बहुत ही इसमें बहुत ही गर्व के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ये बोल सकता है आपके माध्यम से पूरे अंडमान निकोबर के जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि हमारे आउटरीच प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट है हम देखा जाए तो मतलब इस साउथ अंडामान में हर एक हफ्ता में कम से कम तीन या चार आउटरीच प्रोग्राम हमारा चलते रहता है तो हम क्या करते हैं कि जिनको नहीं पता है कंटिन्यूसली हमारे आउटरीच प्रोग्राम हर एक विलेज में होता है जैसा अब संकल्प यात्रा चल रहा है तो संकल्प या, यात्रा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडामान एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन था तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के स्टॉल बना हुआ है अब उसमें हमारा काउंटर बना हुआ है तो जो भी लोग आते हैं उनको अवेयर करते हैं हमको हम उनको हैंडहोल्ड करवाते हैं अगर उनको जरा सा भी अगर डाउट हो हमसे पूछते हैं कि मछली फिशरी सेक्टर आपके पास अगर तालाब है आ, उनको हम हम उनको साइकोलॉजिकली हम उनके दिमाग में जाते हैं कि ताकि उनके अंदर अगर कुछ भी सोच हो अच्छा करने के लिए पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी। पर हम ऐसे करके उनको मोटिवेट करते हैं तो ताकि वो कुछ एक्सप्रेस करें जैसे एक तालाब है उनके पास तालाब में वो कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है और उसकी उनकी जो मछली है वो ग्रोथ नहीं हो रहा है इस तरीके से हम जाते हैं कि आपकी तालाब में इतना बेनिफिट हो सकता है साल में आप जो है कम से कम चार से पाँच लाख रुपए आप बढ़िया कमा सकते हो तो वैसे करके उनको ऐसे इंकारीज करते हैं साथ साथ सागर मित्रा जो आउटरीच हमारे एक्सटेंशन सपोर्ट जो आ, स्टाफ है वो

जो लोग इस इनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये बेनिफिट चाहिए पर उनके पास फाइनेंस नहीं रहता है फाइनेंस नहीं है पर बैंक से लोन लेने के लिए भी कतराते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि बैंक की लोन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी नॉमिनल रहते हैं मत्स्य संपदा योजना में आपकी जो सब्सिडी काफ़ी अच्छे हैं और जितने प्रोजेक्ट है उसमें आपकी जो पर मंथ की रिटर्न है काफ़ी अच्छा हो जाएगा तो ये कंटिन्यूसली हमारा आउटरीच प्रोग्राम अवेयरनेस कैंप चलता रहता है जी इससे महिलाओं को कुछ अलग से बेनिफिट मिलता है क्या जी जैसा मैंने पहले भी बताया था जी. महिलाओं के लिए तो मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे मत्स्य संपदा योजना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा महिलाओं के लिए हुँ. महिलाओं को जो है 60 परसेंट की सब्सिडी मिलती है सिक्सटी परसेंट कोई भी प्रोजेक्ट की जो है एक सीलिंग होता है Uh, उस सीलिंग में जो है महिलाओं को जो है सिक्सटी परसेंट की सब्सिडी होता है वैसे इस योजना का लाभ अगर कोई उठाना चाहता है या उठा रहा है या उठाते वक्त कोई समस्या आती है तो वे कहाँ संपर्क कर सकते हैं क्या कोई फोन नंबर है जी जी uh, इस uh, संपर्क आप क्या है कि पूरे स्टेट का अगर मैं बताऊंगा तो हमारे हर एक uh, फिशरी सब स्टेशन होता है डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिस जोनल फिशरीज ऑफिस होता है जो आप माया पे है उसमें आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी जाके वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमारे हर एक सागर मित्र हर एक विलेज में मोस्टली पोस्टेड हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं साउथ अंडामान में जोनल फिशरीज ऑफिस साउथ अंडामन में डायरेक्ट आके संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट्रेट ऑफ फिशरीज़ में संपर्क कर सकते हैं निकोबर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं जोनल ऑफिस निकोवर में ननकौरी में बे में कचाल तेरेसा में जा संपर्क कर सकते हैं जी क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई फ़ोन नंबर ऐसे कुछ हो, होता है क्या जी जहाँ पर संपर्क कर सकते हैं लोग है। जी जैसे कि डायरेक्ट्रेट ऑफ तो फिशरीज में आ सकते हैं हमारे जो भी लाभार्थी जो इच्छुक है फिशरमैन फिश फार्मा टोल फ्री नंबर है जीरो थ्री वन नाइन टू टू थ्री टू सेवन वन नाइन और टू थ्री टू सेवन सेवन जीरो अगर साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आना चाहता है जहाँ पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है मोस्टली जीरो थ्री वन नाइन टू टू थ्री वन फोर सेवन थ्री और नॉर्थन अंडमान में अगर कोई लाभार्थी नॉर्थन अंडमान के हो तो जीरो थ्री वन नाइन टू टू सेवन थ्री टू नाइन फाइव जी और निकोबर डिस्ट्रिक्ट हो तो जीरो थ्री वन नाइन थ्री टू सिक्स फाइव ट्रिपल वन में संपर्क कर सकते हैं इस योजना को लेकर क्या कोई बीमा होती है क्या की जाती है जी ये आपकी बहुत अच्छी सवाल है मैम जो बीमा है मत्स्य संपदा योजना में तो डायरेक्ट बीमा नहीं है पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के पास दो तरह के एक बीमा होता है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो थ्रू मत पी एम एम के थ्रू हमारे एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड उनके थ्रू जो है फंड रिलीज होता है आ, इसमें मोस्टली कवर्ड है जो मरीन फिशरीज सेक्टर के मछुआरे कवर्ड है इसकी भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से लाभ मिले हैं जब कोई फिशरमैन बन जाता है यानी कि आपके पास फिशिंग uh, वेसल है रजिस्ट्रेशन हो गया लाइसेंस हो गया और आपके पास आपको मैंने क्रू uh, यानी कि मेरीन फिशरमैन आइडेंटिटी कार्ड भी ऑथोराइज ऑफिसर के द्वारा दिया गया <laughs> जब ये डॉक्यूमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली आपको कोई पैसा और प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भारत सरकार की ओर से ऑटोमेटिक जो है आपकी इंश्योरेंस कवरेज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम देखिए हम नहीं चाहते हैं कोई तरह का मिशाप हो आ, समुंदर क्योंकि मछुआरे जो है मेरीन फिशिंग सेक्टर जो है बहुत ही चैलेंजिंग होता है सबसे टफ प्रोफेशन होता है पर फिर भी क्या है ना कि आ, कुछ ना कुछ मिशैप हो ही जाता है जा। अगर मान लीजिए आपकी ऐसी दुर्घटना हो गया कोई भी क्रू फिशरमैन की डेथ होता है, जाता है डेथ में पांच लाख की जो है उनकी इंश्योरेंस कवर रहता है और उनकी नॉमिनी को डायरेक्ट मिल जाता है अच्छा। पर्शियल डिसेबिलिटी अगर हो गया ये स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है देखिए अच्छा। पर्शियल डिसेबिलिटी हो गया तो ढाई लाख होता है इनकेस ये ना समझे अगर मान लीजिए फिशरमैन किसी कारण से भी डेथ होता है मान लीजिए ऐसी जरूरी नहीं है कि उनको वाइल्ड फिशिंग ही डेथ हो अगर वो फिशरमैन है रेगुलर फिशरमैन है अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से मान लीजिए तब भी उनको फुल इंश्योरेंस कवरेज है उस चीज में क्या करना होगा कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो मैं दर्शक को ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट को विद इन टू डेज हो सके तो उसी दिन ही आप जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आपको जीडी एंट्री करवाना होता है वो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप चार पाँच दिन हो जाता है तो फिर वो थोड़ा, थोड़ा सा मुश्किल हो, मुश्किल हो, है, हो जाता है तो मैं आपके माध्यम से सबको ये, सब ये आ, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी घटना तो ना हो अगर अगर घटना घटे तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जी एंट्री करवाइए दिन मेडिकल टीम की जो वर्क होता है वो प्रोसेस बहुत जल्दी होता है रिपोर्ट हमें तुरंत मिलता है कंप्लीट

दैट स आप जो है फिशरमैन ट्रीट नहीं करेंगे अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उस केस में जो है भारत सरकार और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आपको मदद नहीं कर पाएगा ओके okay. तो इन सब बातों का उन्हें ध्यान रखना, रखना जरूरी बहुत होता, जरूरी होता हो जाए तो तपन जी अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे खासकर से जो युवा वर्ग है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आपकी जितनी फिशरीज रिलेटेड आप अगर स्कीम के बारे में आपके पास अगर दिमाग में अगर कुछ भी आइडिया है तो आप हमारे जैसे कि मैंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया उसमें संपर्क कर सकते हैं पर्सनली हमारे पास आके आप विस्तार से बात कर सकते हैं और इस सारे स्कीम की लाभ ले सकते हैं ख़ास करके अनएम्प्लॉयड यूथ जैसे मैंने पूरे कन्वर्सेशन में बताया कि अनएम्प्लॉयड यूथ अंडमान निकोबार में खास करके साउथ अंडमान में कितने लाभ हुए हैं कि नौकरी तो बहुत लिमिटेड होता है लेकिन आप खुद एक ऑन्ट्रप्रनर बन सकते हैं जैसा उसमें कुछ स्कीम है फिश क्योर्स हो गया कोल्ड स्टोरेज हो गया आइस प्लांट की चेन हो गया ये सारा चीज़ थ्री व्हीलर ले सकते हैं आप थ्री व्हीलर विथ ऑटो जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन काम कर सकते हैं एज ए होल मैं सबको आपके दूरदर्शन के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आ, सेक्टर फिशरीज़ और एलाइड एक्टिविटी में अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन करना है आपको फिश की क्यूर्स बनाना है एक स्टॉल बनाना है जैसे आपको अगर कोई अगर स्टॉल बनाना चाहते हैं जैसे कि आपके मरीना पार्क में बहुत सारे स्टॉल है अगर उस तरह के स्टॉल अगर आप फूड सी फूड कोई क्वजीन बनाना चाहते हैं आपको अगर फाइनेंस और फंड की समस्या टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो तो इस तरह के सारे चीज के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं जी जी बिल्कुल तो तपन जी आज आप हमारे कार्यक्रम में आए अपना कीमती समय हमें दिया और इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां हमसे साझा की इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो दर्शकों हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब भी इस योजना का लाभ जरूर लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाजत नमस्कार うん。